बस वहाँ बैठ कर रहा है। How was the feeling, मतलब भोजपुरी था सबसे पहली वेब सीरीज आप लीड कर रहे हैं, how was it? Well, first of all, I would like to thank Abhisa who believe in me and you know I am really lucky to be a part of Prapanch. एक तो मैं न्यू कमर हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, आई फील सो लकी दैट ये मेरा फर्स्ट भोजपुरी है और ऊपर से वेब सीरीज एंड दैट जो ऑपोजिट स्टारिंग पवन जी, सो इट्स रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई रियली लर्न अ लॉट। फैंस के लिए यू नो पुश कर दीजिए, अभी रात 11 बजे से वेब सीरीज लाइव होगी तो आज दिन की डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से लोग देखेंगे तो ही कंटेंट आगे पहुंचेगा। हाँ, ये 11 बजे ऑन लाइव हो गया है, सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वी नीड ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। ये वाली लाइन कैमरा में देख के बोलो, ये इनको मैं वो पिक कर रहा हूँ वहाँ से। आप एक चीज एक बाइक दे देंगे, चौपाल जो है वो भोजपुरी फिल्म और वेब सीरीज का सबसे बड़ा ऐप मोबाइल ऐप है, डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और देखें प्रपंच, ये बोल दीजिए। हाँ जी, चौपाल भोजपुरी फिल्म और वेब सीरीज का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अरे आप ऐसा कर लीजिए प्रपंच देखने के लिए चौक Thank you.
लुक सेंटर यहाँ पे जितेंद्र जी यहाँ पे ओके चलो भाई लॉन्च होता बहुत अच्छा बात था हम लोग के भोजपुरी खातिर कैसे कि देखिए बहुत तेज़ी से दुनिया और मनोरंजन के माध्यम भी बहुत तेज़ी से बदल रहा था, मनोरंजन के संसाधन बदल रहा था, तो वो में एगो कदम भाई OTT प्लेटफॉर्म जो हम लोग के भोजपुरी में ना रहे अब आज से हो गई। और कैसे कि देखिए अब सारा चीज़ तो फोन में बा, आदमी के बैंक भी जाए के नहीं के पड़त, पहले बैंक जाके आदमी बड़ा वाला लाइन लगावे, सिनेमा हॉल नहीं के जाए के पड़त, आदमी फोन में ही देख लेता रहे, पर एगो अनौपचारिक रूप से एगो संसाधन बा चौपाल जो भोजपुरी में वेब सीरीज भी आज से पहले ना बनत रहे, एक पर पहला वेब सीरीज प्रपंच आई फोन पर आके, ओकरा बाद हमार वेब सीरीज आई लंका में डंका, और भी बहुत सारा लाइन से बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट है चौपाल पर वह सबके देखे के मिले, तो ये चौपाल के अविलंब वह सब प्ले स्टोर से डाउनलोड करीजा और भोजपुरी के भरपूर आनंद। और लंका में डंका हमने के सूटे के लिए बने जाए अयोध्या में, पूरा शूटिंग अयोध्या में भाई बात, तो जमुना हिसाब से भगवान श्री राम के नगरी में उतना पवित्र नगरी में हमने शूटिंग के लिए बने जाए, वो एक एक चीज़ अयोध्या कर वो सबके देखे के मिली लंका में डंका में, और हर लोकेशन यूज भेल बा, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और स्टोरी बा, तो वो सबके देख के बहुत आनंद आई और वो सब बोल जो पैसा वसो बड़ा उदाहरण बा, एगो बहुत बड़ा कहनी है संसाधन बा, कैसे कि मनोरंजन के साधन दिन पर दिन बदला था ना, पहले आदमी धोती पहनत रहा, अब फुल पैंट और जीन्स पहने लो, वही हिसाब से पहले आदमी जात रहा सिनेमा हॉल में बड़ा बड़ा लाइन लगा के, लेकिन अब आज के व्यस्त समय में आज के ज़माना में उतना समय नहीं क्यों भी, तो लोग सब कुछ मोबाइल पर चाहेला, और मोबाइल पर आदमी जहाँ भी खाली टाइम मिलल हो जा देख लेल, जहाँ तक देख ले बा वजे रोक के रख ले बा ओकरा आगे देख लेल, तो बहुत सारा सुविधा होला वो से आज के जमाने, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है कहा गया, तो उस हिसाब से हम लोग भी परिवर्तन होना पड़ेगा, और ये परिवर्तन की दिशा में एक अच्छा कदम है। चौपाल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से कहना चाहेंगे आपके उस भोजपुरी के कलाकार से सवाल पूछिए लोग तो भोजपुरी में पूछ लो, ठीक है ना। लेकिन भैया अभी तक का नमक हिंदी में बोलनी है ना रहुआ, हाँ अभी तो हिंदी में रहुआ बोल भाई, भोजपुरी के साथ ही हिंदी भी तो चलबे ना करी, हिंदी तो मातृभाषा, हम हिंदी के छोड़ थोड़ी जाए भाई, भोजपुरी माई है तो हिंदी मौसी है, हिंदी के छोड़े के नहीं जाए, धन्यवाद। भोजपुरी दर्शन भोजपुरी का प्यार है जो मुझे हमेशा साल में कोई अवार्ड मिल ही जाता है। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है, हमारी ऑडियंस को इंतज़ार भी था, क्योंकि अब थिएटर्स का जो हाल है वो आप सब जानते हैं, कोविड के बाद से सारी ऑडियंस OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई है, अदर लैंग्वेजेस फिल्में या वेब सीरीज या ड्रामा वो सब OTT पे आ गया है, हमारी भोजपुरी भी आ गई, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। ऑफकोर्स ये देखिए जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तभी हमारे टीवी चैनल भी नहीं थे, उस टाइम पे मैंने करियर स्टार्ट किया था, फिर मुझे टीवीज आई, सैटेलाइट आया, यूट्यूब आया, और अब OTT आ गया है, तो मेरे लिए तो बहुत आगे ही
अच्छी पड़ रही है मेरी इंडस्ट्री, तो मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। चलो कहाँ से? नाला से।